दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय स्मृति इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। हर प्रकार का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक का सामान बाजार से सस्ते दामों पर खरीदें। मेन बाजार महरे, तहसील गेट के सामने। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, स्वागत करता हूं आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बिजड़ बाजार में। बिजड़ बाजार को लेकर लगातार पहले कई खबरें हम उठा चुके हैं, जैसा कि यहां पर समस्या थी कि पहले पानी खड़ा हो जाता था, रोड बार बार खराब हो जाता था। इस खबर को लगातार उठाने के बाद मैं पीडब्ल्यूडी ने इस टेंडर को दोबारा किया, कई अलग अलग भागों में इस टेंडर को किया। लेकिन आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इस जो कार्य हो रहा है उस कार्य की तरफ। जैसे कि यहाँ पर लोगों की ये शिकायत रही है और जनता से जुड़ा हुआ मामला है, जनहित से जुड़ी हुई ये बात है कि किसी भी कार्य को करने की जो तकनीक है उस तकनीक के अंदर लोगों को जानकारी नहीं होती है। और पीडब्ल्यूडी की ये जिम्मेवारी रहती है कि उस तकनीक को जो वहाँ ठेकेदार फॉलो कर रहा है उसकी जांच करें। हालांकि एक्शन साहब आज यहाँ पर आए हुए, उन्होंने इसको मायना किया, इसको देखा है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा तकनीकी तरीके से आपको दिखाना चाहूँगा। एक अंदर पाइप डाला गया है खुदाई करके रोड के बीच में, जिसके अंदर केबल्स वगैरह जाती हैं, जो भी की जरूरी बात होती है। उस पाइप को डालने के साथ में जब इस रोड को खोदा गया तो इस रोड के ऊपर बीच में आप देखेंगे यहाँ पर ये जगह खाली होगी, यानी कि इस जगह को बिल्कुल खोदा गया। अब ये मिट्टी जो है, इस मिट्टी के ऊपर और इस रोड के ऊपर जो फर्क है वो ये है कि इसके ऊपर टाइलिंग हुई है। इसके ऊपर अगर टाइल लगाई जाएगी तो नीचे नहीं जाएगी, लेकिन तकनीकी तरीके से देखें तो इस मिट्टी पर जैसे ही बारिश होगी, जैसे ही समय आएगा, धीरे धीरे वो टाइल बैठ जाएगी। या फिर कोई भारी वाहन अगर बीच में आकर दोनों टायर को लेकर एक तरफ आ जाता है तो टाइल को कहीं ना कहीं दबाव रहेगा और ये बीच में जाएगी। ऐसी संभावना होने का मतलब ये है कि जो सरकार ने कार्य कराया है, जो करोड़ों रुपये लगाया है, उसके अंदर कहीं ना कहीं त्रुटि पाई जाएगी। तो ऐसे में क्या विभाग ने इस बात की जिम्मेवारी ली है कि जो यहाँ पर रोड बीच में जो बैठेगा या कल को टाइल यहाँ बैठ जाएगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी विभाग की है? जैसे कि मैंने एक्शन साहब से पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए जवाबदेही नहीं हूँ, मैं इसके लिए जवाबदेही नहीं दे सकता। वो उनका अपना पक्ष है, वो रखे ना रखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनता से जुड़ा हुआ समस्या है कि आखिर रोडों को बनाने के पीछे जो तकनीक बनाई जाती है उस तकनीक को क्यों सही ढंग से फॉलो नहीं किया जाता। क्या इसके नीचे पहले इस जगह को कोई दूसरा तरीका नहीं है कि मजबूत बनाया जाए? जैसे कि अभी देख रहे हैं आप, रोड रोलर चल रहा है, लेकिन क्या रोड रोलर इस जगह को उतना मजबूत बना सकता है जितनी मजबूती इसके लिए चाहिए? ये बड़ा सवाल है। अभी थोड़े दिन पहले गारली से अगर आप महरे के रोड को देखें, जो कि महरे से घोड़ी दिबरी वाले रोड का जो टेंडर हुआ था उसको भी बनाया गया, गारली तक उसको पूरा कर दिया गया है, आप देखेंगे उसकी टायरिंग भी उखड़ गई। अर्थात ये हुआ कि कार्य विभाग ने अभी पूरा किया नहीं और टायरिंग उखड़ गई। टायरिंग उखड़ने का अर्थ यही है, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो कार्य करना था, जिस तरीके से करना था, वो नहीं किया गया। विभाग को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और समझना चाहिए कि ये जो तकनीक बनाई जा रही है, यहाँ जो समस्या आ रही है या जो आ सकती है। मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएंगे, ये जो जगह आप देख रहे हैं बीच की, इसके अंदर पाइप डाली गई है और पाइप डाली गई तो ये जगह भी कच्ची है। इसके ऊपर रोड रोलर चला के अगर रोड़ी डाल भी दी जाए तो भी बारिशों के बाद में कभी भी इसके ऊपर कोई दबाव पड़ते हुए अंदर बैठ सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तकनीकी पॉइंट तो पीडब्ल्यूडी को देखना है, लेकिन हमने आपके बीच में समस्या रखी है, पीडब्ल्यूडी इसके ऊपर संज्ञान ले और एक्शन साहब खुद भी आए हुए हैं, वो देखेंगे इसको कि इसके अंदर जो समस्या है क्या वो जायज है या गलत है, ये देखना विभाग का कार्य है। क्योंकि आज ये कार्य हो रहा है, अगर इस कार्य के अंदर कोई भी कमी अगर पाई जाती है तो कल उसका नुकसान मार्केट को ही होगा, दोबारा वो खराब हो जाएगी। इसलिए लोगों को जो भी शिकायत गिरी है, जो भी लोगों का ये पक्ष है कि इसके अंदर काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, ये पीडब्ल्यूडी विभाग को जरूर देखना चाहिए। कैमरामैन एतवाल कुमार के साथ में मैं रमेश शर्मा, जीवन उत्साह न्यूज से, थैंक यू वेरी मच।